हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और इसके अंदर आज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में पहले समझें। मान लो कि हमारे पास ये कोई चार्ज है। क्यों चार्ज है? तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई अन्य टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स महसूस होगा। क्या महसूस होगा? फोर्स महसूस होगा। जैसे मान लो यहां पर कोई एक चार्ज था Q0 क्या है? यहां पे Q0 है टेस्ट चार्ज, क्लियर। वो इस A पॉइंट के ऊपर रखा था, हमने देखा कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं, मैं इसको यहां ले आया, पॉइंट B के ऊपर लेके आया, तो देखा इसके ऊपर फोर्स लगा, ये रिपल हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगा। इसके बाहर यहां पर पॉइंट A के ऊपर कोई फोर्स महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट B के ऊपर आया तो इसके ऊपर क्या महसूस हुआ? फोर्स महसूस हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो चार्ज है Q, इसने अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रखा है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा, क्लियर। तो इस सराउंडिंग को, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, तो मकड़ी क्या बनती है? अपने चारों ओर अपना जाल बुनती है कि नहीं बुनती है? और उस जाल में कोई दूसरा कोई कीट पतंग आता है तो वो उसको क्या करती है? अपनी ओर खींच लेती है, क्लियर, अपने जाल के अंदर जकड़ लेती है। उससे बाहर कोई होता है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो सेम ऐसे ही हर चार्ज का अपना क्या होता है? एक दायरा होता है, अपना एक स्पेस होता है उसके चारों ओर, जिसके अंदर दूसरा कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो उस फील्ड को जो उस चार्ज के चारों ओर है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? यहां टेस्ट चार्ज रखा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपने यहां रख दिया, क्या हुआ? फोर्स लगेगा, क्लियर है। अच्छा बात आपकी कि टेस्ट चार्ज क्या होता है? सर आप बार बार बोले टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है? इमेजिनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? ये सिर्फ फोर्स महसूस कर सकता है, ये किसी दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। जैसे मान लो ये दो चार्ज हो गए, आप कहेंगे सर ये तो फोर्स लगा सकता है, लेकिन यूनिट टेस्ट चार्ज की खासियत होती है कि ये क्या है? बहुत छोटा है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बोल सकते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, क्लियर। जिसको सिर्फ बनाया किस लिए है, इमेजिन किस लिए किया गया है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जांचने के, क्लियर है। तो व्हाट इज टेस्ट चार्ज? ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विच हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं, देखो तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। हमने लिखी द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, मींस ये वाला जो क्यू है ये क्या है? सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज इन विच एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसके चारों ओर ये जो है, इसके चारों ओर एक स्पेस है जिसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या महसूस होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। तो इस स्पेस
सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, तो E इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेस्ट चार्ज को आपने रिप्रेजेंट किया है क्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो यहीं से क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी इसकी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले से तो आएगी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? तो ये होगी इसकी यूनिट, ठीक है। अब आपने देखा कि इसको वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले ही पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर के बारे में, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन आनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लो ये बाहर क्या कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई, ये चीज तो फिक्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी ले रहा है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और सोर्स चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पहले पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा या नहीं करेगा, यानी कि फोर्स कैसे लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड में हो जाएगी। अगर ये माइनस का होता इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता कि नहीं करता अपनी ओर, तो इस डायरेक्शन क्या हो जाती, इनवर्ड हो जाती। तो कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन h along the direction of force is along the direction of force on the test charge. Clear? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी आउटवर्ड, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे संबंधित जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी शेप कैसे होगी, रेडली आउटवर्ड, मतलब जो रेडली होता है उसका मतलब क्या होता है, रेडली मतलब होता है पॉइंट सोर्स से बहुत सारी लाइंस ऐसे निकल रही है, मानो भाई सोर्स जो टेस्ट चार्ज हो ये यहाँ पे तो क्या होगा, ये प्योर फोर्स बताएगा, यहाँ होता तो क्या करता है, इसको रिपल करता, यहाँ होता तो ऐसे निकल करता, यहाँ होता तो ऐसे निकल करता, एंड सो यानी कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसकी जो शेप होगी कैसे होगी बताओ, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये पॉइंट चार्ज है यहां से निकल रही है, यहां से दाएं बाएं ऊपर नीचे सो, इसकी शेप कैसे हो जाएगी स्फेरिकली, कैसे होगी इसकी शेप स्फेरिकली होगी कि नहीं होगी। तो ये हो गया फोर पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, फोर नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे टेस्ट चार्ज होता तो क्या करता भाई, भाई इसको अपनी ओर खींचता कि नहीं खींचता बताओ, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दो प्रॉपर्टी और है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह रहा है जांच सुनो। मानो आपके पास कोई एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, आगे कंसेप्ट आएगा कि क्या होती है बाद में बता देंगे। इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वह कहता है कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो डायरेक्शन किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, क्लियर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा होता, तो नेगेटिव चार्ज रखा होता तो क्या होता, ये इसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करवाता, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो फोर्स लगता इस तरीके से, ठीक है। एक बार पूरे को मैं रिवाइज करवा देता हूं फिर इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा स्पेस सोर्स चार्ज करा होने जिसमें किसी भी नेस्ट चार्ज अगर आप लेके आओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स महसूस होगा, ठीक है। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी, प्रॉपर्टीज थी, पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये कहता है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा है ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्या थी, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होगी स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी, ठीक है। कहां से शुरू होती है कहां तक जाएंगी, इसका अक्ष और ये जो फील्ड लाइंस है, जो फील्ड है कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज से इनफिनिटी तक, इनफिनिटी तक मूव कर रहा है। ऐसे ही नेगेटिव के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में कहां थी इनफिनिटी से तो कहां तक इस नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है। तो रेडियली इनवर्ड से इसकी भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। दो प्रॉपर्टी ये थी, the direction of force on positive charge due to electric field is along the direction of electric field, ये electric field है, इसके अंदर मैंने positive charge रख दिया, इसके ऊपर क्या लगेगा force लगेगा, तो ये कहता है कि उसके ऊपर जो force लगेगा ना वो electric field के along ही लगेगा, यानी कि positive charge move करेगा तो जिस side electric field है उसी side move करेगा,
नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। फेज की प्रॉपर्टी भी नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगला कंसेप्ट है, एक आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है तो उसका एक्सप्रेशन करना है, क्लियर। तो मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास एक ये चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या है, पी है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। टॉपिक समझ में आया, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है भाई। तो मैं कहता हूं इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मेजर कर लिया मैंने पी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला जनरल सभी को पता है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए, और फोर्स कितना चाहिए, एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जहां पर पॉइंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पर मन मन में क्या कंसिडर करना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, यूनिट मतलब इससे लाइन पर क्या हो, मन हो, क्लियर। अच्छा भाई, तो ये देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपने क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा भाई, रिपल करेगा, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q इन गिवन बॉडी, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा, उस फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से देंगे आप, सीधा सा सर कूलम्स लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स F कंसीडर किया है, फॉर्मूला होता है K Q1 into Q2, तो Q into U0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या आपके पास आर स्क्वायर, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट पीछे अभी अभी पढ़ा था आपने, उसका फॉर्मूला था फोर्स के अपॉन में टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, K Q Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और नीचे क्या है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे फोर्स था वो क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई, करें पॉज करें और नोट करें। देखिए भाई नेक्स्ट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो एक पॉइंट चार्ज के लिए था, इसके लिए था पॉइंट चार्ज के लिए। अब की बार मान लो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए जब मैंने इस चैप्टर को शुरू किया तो पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है ना उसका क्वांटम नेचर होता है, यानी कि वो ई के मल्टीपल में होता है, ई होता है टू ई होता है थ्री एंड सो ऑन, क्लियर, इस तरीके से होता है। इसके ऊपर चार लगा हो, पांच ये हो सकता है, दस ये हो सकता है, हजार ही हो सकता है। ये जो बात थी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की थी, छोटे स्केल के ऊपर, लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो जो चार्ज का क्वांटम नेचर होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्लियर, और ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज
छोटे के ऊपर फैला हुआ है, उसमें कोई क्वांटम नहीं रहता है। जैसे ये आपको डॉट दिखाई दे रहा है, आप इसे आसानी से गिन सकते हो, लेकिन अगर यही डॉट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, वेरी लार्ज नंबर्स में हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज इसके ऊपर कंसीडर कर लें, और अगर आप इनको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये समान रूप से फैला हुआ है, कहीं पे कोई गैप आपको नजर नहीं आएगा। रियल में तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं है, लेकिन जैसे इसको दूर से अगर आप देखेंगे तो आप इनको गिन नहीं सकते। जैसे मान लो कोई वाल है, तो वाल किससे बनी हुई, ईंटों से बनी हुई, भाई उसके अंदर 1000 ईंट है, 2000 ईंट है, आप उनको काउंट कर सकते हो, आपको क्या है नोटिस में भी है, लेकिन उसी दीवार पर आप दूर से देखो तो आपको वो जो ईंटे हैं वो बिल्कुल प्लेन दिखाई देंगे, ठीक है, हम उनको गिन थोड़ी सकते हैं 10 से 20 ईंट कितनी है। तो वही हिसाब किसका होता है, चार्ज का होता है। जब चार्ज छोटे स्केल के ऊपर होता है तो उसका नेचर कैसा होता है, क्वांटम नेचर, लेकिन अगर वही चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो हम क्वांटम नेचर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द बॉडी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलो दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई पूछ भी ले, हालांकि आता नहीं पेपर में, फिर भी कोई पूछ ले कि व्हाट इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ये कहानी लिखेंगे कि इन माइक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज पॉसिबल, बट इन मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स ओवर द एंटायर बॉडी इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का हो सकता है, तीन तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। मान लो मेरे पास ये कोई एक वायर है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, इसकी पूरी लेंथ को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है, एक तीन वायर है मेरे पास। दूसरा, मेरे पास में एक सीट है, सीट है, इस सीट को अगर मैं चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज कहां फैलेगा, भाई इसके पूरे एरिया को कवर कर देगा, बोलो, ठीक है। तीसरा, मेरे पास कोई एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, मान लो थ्री डायमेंशनल बॉडी, क्लियर, इसको मैं चार्ज सप्लाई करता हूं और चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसने इसकी पूरी वॉल्यूम को कवर कर दिया, पूरी वॉल्यूम में क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो हो जाए उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जब टू डायमेंशनल बॉडी हो तो उसके एरिया को कवर करेगा, उसके एरिया के ऊपर यूनिफॉर्म रूप से स्प्रेड आउट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, ये कौन सा हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लेंगे आगे। ऐसे जब पूरी वॉल्यूम को कवर कर ले तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। अब ये इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। मान लो मैं आपको एक भी कह दूं कि मेरे पास एक कोई एक रोड है और उस रोड की जो लेंथ है वो एल है, मैं कहूं कि इससे ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लो, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे, कई बच्चे कहेंगे इसके ऊपर चार्ज तो क्यों है, लेकिन सर आपने फॉर्मूला सुधा रखा है, बिल्कुल सुधा रखा है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, अभी तो
गाइस इसके ऊपर चार्ज क्यों ही है, आर कौन सा लेंगे, क्या इसको आप यहां मान लेंगे, यहां से करेंगे, सेंटर से करोगे क्या, सेंटर से मान लेंगे तो कहां से मान लेंगे भाई, चार्ज यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां भी, कहां से कंसीडर करें इस लेंस को बताओ, कई होगा ऑप्शन होगा कि सर यहां से करो क्यों करना भाई, चार्ज तो यहां भी है, क्या कहें सर, चलो छोड़ो पीछे छोड़ो, इसमें ऐसा करते हैं, यहां पे मानते हैं सेंटर से, सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, इस तरीके से चार्ज भी यहां पर क्या है, एक्युमुलेट है, यहां से कर लो और ये l / 2 हो जाएगा और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा l / 2 + a और उससे आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे, हो सकते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेंटर ऑफ मास नाम की चीज होती है लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज नाम कोई चीज नहीं होती, क्लियर है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये जो तीन चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है इनको पढ़ा दिया, इनको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो अभी आपको मिल जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करें, इसको समझो, जैसे ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी है, इसका भी एरिया भी तो होगा कुछ ना कुछ एस या ए, इसकी वॉल्यूम भी तो कुछ ना कुछ बी, बोलो भाई, तो मैं क्या इसके नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से एक बार लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी मैंने जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अगर आपको एक यूनिट का बता दे कोई तो टोटल जो लेंथ है उसके ऊपर तो निकाला जा सकता है, बोलो, ऐसे ही इसके अंदर जो टर्म होती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, कि एक यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज कितना है सिग्मा, ठीक है, तो टोटल जो सरफेस एरिया है वो कितना है निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही इसके अंदर जो टर्म आती है वो आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द आगे बात सभी को समझ में, तो एक बार फिर से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम जो नेचर होता है चार्ज का वो नेग्लेक्ट हो जाता है और बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म रूप से चार्ज स्प्रेड आउट होता है ऐसा अज्यूम करते हैं, क्लियर, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब चार्ज पूरी लेंथ को कवर करे यानी कि चार्ज स्प्रेड आउट हो जाए किसके ऊपर ओवर द लेंथ ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बॉडी, इसलिए मानो मेरे पास होता है तो इसके ऊपर चार्ज कंसिडर होते हैं लेंथ के ऊपर, जब बॉडी टू डायमेंशनल हो तो चार्ज कैसे फैले उसकी सरफेस के ऊपर फैलेगा उसको क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब 3D बॉडी हो तो जब वॉल्यूम को कवर कर ले चार्ज पूरी वॉल्यूम के ऊपर समान रूप से फैल जाए उसे हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आगे सभी को समझ में, ठीक है एक बार इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अब मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
मेरे को क्या करना है, इससे एक स्मॉल सा एलिमेंट काटना है। क्या करना है, इससे एक स्मॉल सा एलिमेंट काटना है। उस स्मॉल से एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो बहुत कम होगी कि नहीं होगी, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा फिर टोटल चार्ज कितना है क्यू, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी तो स्मॉल सा ही होगा, तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू। अब वो जो डी क्यू है ना उसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और छोटा चार्ज हो गया तो उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज। भाई इस पूरे के ऊपर जो चार्ज था उसको हम पॉइंट चार्ज नहीं मानते, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया तो उसको आप क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, तो पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, छोटी सी लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटा ही आएगा, उसका नाम क्या दे दिया हमने डी। फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू मतलब स्मॉल चार्ज, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरे को तो इसका थोड़ी चाहिए, मेरे को पूरी रोड का चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट निकलेंगे, सभी का निकाल लो, सभी को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर आ रहा है चार्ज, नीचे क्या आ रही लेंथ, इंटीग्रेशन तो तब हो सकता है जब ये इसमें हो, लेंथ में हो, वही वेरिएबल तो होने चाहिए, होने चाहिए सेम, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इनटू लेंथ, सेम, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी। बोलो, तो जहां पर डी क्यू है वहां पर क्या रख दोगे, लैम्डा इनटू डी है। अब देखो ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ ही है, अब इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, बोलिए ठीक है। अगला करते हैं, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम ऐसे ये आपके पास एक सरफेस है, इसका एक यहां से छोटा सा एलिमेंट काट लो, छोटा सा एलिमेंट होगा उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, dq। अब ये क्या कंसीडर कर लोगे, पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो फार्मूला आ जाएगा d = k dq / r। अब इस dq को चेंज करते हैं, dq को चेंज किससे करेंगे, कौन सी क्रम से, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू d, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। भाई इसका एरिया तो स्मॉल ही होगा, देखिए आ गया, वैल्यू पुट करो क्या करते हो, इंटीग्रेशन। सेम ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर भी एक छोटा सा एलिमेंट काटना है भाई 3d में, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी dv, पूरे की वॉल्यूम v है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी dv, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा dq। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट k dq / r2, फिर से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी,